नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक और नई जानकारी नई वीडियो में उपस्थित हूं मैं विजय लेकर के आए हैं। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि जो 2131 BPSM के स्कूटी बस स्टैंड अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, उनमें से जिनका ज्वाइनिंग जो है वो अभी तक नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो उनके लिए दोस्तों जो है वो बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में जो है वो मेल किया गया है, कॉलिंग कल से ही किया जा रहा है। लगभग 100 ऐसे अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, जिसको जो है वो दोस्तों कल यानी मंडे को जो है वो बुलाया गया है ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करने के लिए। उर्मिला इंटरनेशनल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पे बेल्ट्रॉन के जो उर्मिला के द्वारा ज्वाइनिंग दिया जाता है उस ऑफिस में। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किन किन कैंडिडेट है जिनका जो है वो कॉलिंग आया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जिनका मोबाइल जो है वो किसी कारणवश नंबर पे रिचार्ज नहीं होने के कारण या फिर बंद होने के कारण जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा। साथ ही अगर जिनका कॉल नहीं लगता है, तो दोस्तों बता दूं कि उनको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे जो है वो मेल किया गया है, बजाबते मेल किया गया है। तो दोस्तों मेल में क्या कुछ लिखा गया है पूरी जानकारी जो है वो आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है ज्वाइनिंग लेटर जो रिसीव करेंगे उस टाइम में, साथ ही जो उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है वो इशू रहता है कि हमको एड्रेस नहीं पता है। बहुत सारे कमेंट और मैसेज किया गया था कि इनका जो है वो एड्रेस नहीं पता है, पटना जाएंगे, पटना रेलवे स्टेशन जो जंक्शन है वहाँ से हम कहाँ जाएंगे। तो पूरा डिटेल्स जो है वो आपको दोस्तों मेल में दिया गया है, किन किन लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। लगभग 100 ऐसे कैंडिडेट है जिनको जो है वो बुलाया गया है। और आज ही के डेट में यानी 27 जुलाई को जो है वो 11 बजे जो है वो आपको मेल किया गया है। तो दोस्तों अगर आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड्स या रिलेटिव है जिनका जो है वो मोबाइल नंबर बंद हो गया होगा या फिर ईमेल भी एक्टिव नहीं होगा, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो है वो उनको पता चल सके कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आ गया है। और वो मंडे को जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, हम बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ले जाना है, वो ले जा करके और ज्वाइनिंग जो है वो लेटर रिसीव करके और संबंधित जिस ऑफिस में कार्यालय में ज्वाइनिंग का जो दिया होगा उसमें आपको मेंशन किया हुआ होगा, तो वहाँ जा कर के जो है वो आपको ज्वाइनिंग जो है वो करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो दोस्तों हम मेल को आपको दिखाएंगे कि किन किन कैंडिडेट का जो है वो मेल आया है और कितने ऐसे अभ्यर्थी है जिनका मेल में मेंशन किया हुआ है, पूरे डिटेल्स के साथ हम बताएंगे। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ले जाना है, तो वो चीज़ हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो बिना देरी किए आप लोग देख सकते हैं, ये जो है वो आपको जो मेल किया गया है उसका फॉर्मेट जो था अभी दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में दिख गया होगा जो मेरा मेल है, उस मेल पे जो है वो आपको UIS करके आपको देखे होंगे, UIS करके यानी उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से जो है वो आपको मेल किया गया है। मेल आप देख सकते हैं ऑन सैटरडे 27 जुलाई 2024, और ये 12:05 में कोई इसका रिप्लाई किया था कि हमको जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपके पास भी अगर मेल आया हुआ होगा तो यहाँ डियर कैंडिडेट्स जो है वो आपका इसका फॉर्मेट जो है वो हिंदी है, इंग्लिश है सॉरी, लेकिन ये फॉर्मेट जो है वो जो लिख के दिया है वो आपको कुर्तीदेव 10 है, जो फॉर्मेट जो है वो आपके अगर मोबाइल में कुर्तीदेव 10 का जो है वो एप्लीकेशन नहीं होगा तो वो आपको इस तरह से कुछ जो है वो देखने को मिल गया होगा। लेकिन जब इसको आप कॉपी करके और वर्ड में ले जा करके या फिर उसको सेलेक्ट करके आप कुर्ती 10 में जो इसको फॉर्मेट को आप चेंज कीजिएगा, तो जो अभी आपको स्टार्टिंग में दिख रहा था डियर कैंडिडेट करके, तो उसको भी हम अभी दिखाने वाले हैं, वो ये चीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगा
तो सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज जो है वो, तो दोस्तों सबसे पहले हम मेल में जो ये फॉर्मेट जो आपको नहीं दिख रहा होगा मोबाइल में, उसको हम देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। और 1, 2, 3 यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, बेल्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट्रॉन का रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए थे उस टाइम का, या फिर उसका एडमिट कार्ड आपका ले जाना है, आधार कार्ड का कॉपी, पैन कार्ड का कॉपी, बैंक पासबुक का कॉपी और जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ले जाना है। इससे पहले जो है वो हम इसको समझते हैं कि ये क्या, इससे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि ये जो फॉर्मेट है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम कन्वर्ट करके रखे हुए हैं यहाँ पे आपको। तो दोस्तों मेल के स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट आपको नहीं समझ में आया होगा, नहीं खुल रहा होगा, यानी पढ़ने में आप असमर्थ होंगे, तो उसको हम कन्वर्ट करके मेल में रखे, कुर्ती देव 10 में वो लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ये डियर कैंडिडेट तो आपको दिखेगा ऊपर में, लेकिन उसके नीचे जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपका नियुक्ति पत्र नियुक्ति हेतु बेल्ट्रॉन के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर यानी उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना के माध्यम से हमारे कार्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि नियुक्ति पत्र के हमारे कार्यालय का पता, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे दोस्तों उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट जो है वो सर्विस लिमिटेड कंपनी है, उसका जो है वो आपको जहाँ से आपको रिसीव करना है ज्वाइनिंग का लेटर, उसका पता जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड न्यू इनक्यूबेशन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI राजीव नगर रोड, यहाँ पे जो है वो आपको राजीव नगर रोड पाटलिपुत्रा कॉलोनी और पटना बिहार, इसका जो है वो एड्रेस दिया गया है पिन कोड से प्राप्त कर विभाग में, यानी जब आप ज्वाइनिंग लेटर रिसीव कीजिएगा तो फिर आपको उस ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन किया हुआ रहेगा कि किस डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग करना है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ज्वाइनिंग करना है, वो आपको ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन है। तो योगदान देना सुनिश्चित की जाए, विशेष जानकारी के लिए जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं, इसका जो है वो 2 नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग इससे बात कर सकते हैं। तो ये मेल का जो है वो ऊपर वाला जो आप लोग नहीं पढ़ पा रहे थे उसका जो है वो कन्वर्ट करके हमने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों समझते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, किन किन लोगों का जो है वो ज्वाइनिंग आया है आज के डेट में, और कल भी आया था कॉल, जो मंडे को रिसीव करेंगे ज्वाइनिंग लेटर। तो यहाँ पे आप जैसे ही मेल पे आएंगे, तो दोस्तों जैसे ही मेल के हम डिटेल्स में यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राहुल सक्सेना 96@gmail.com यानी राहुल कुमार कोई होगा उसको किया गया है, दुर्गेश कुमार, विजय यादव यानी मैं हूँ दोस्तों, इसके बाद अमरजीत कुमार, मनोज विक्टोरी, प्रदीप शर्मा, चंदन, अक्षय, अभिषेक कुमार, शशि, सुबोध, संजय, विवेक, विकास, राजेश, सुमंत, मिट्टी, अरविंद, यानी जिस नाम से आप ईमेल जो दिए हुए थे ईमेल आईडी, वो ईमेल, ये जितने सारे ईमेल आईडी आपको दिख रहा है सभी को जो है वो मेल किया गया है। यहाँ पे ये डिटेल्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप पूरा डिटेल्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद अमित कुमार, वरुण, अभिनंदन, इसके बाद इंद्रजीत कुमार, प्रशांत, प्रकाश, इस तरह से अवधेश कुमार, दिनेश, प्रियंका कुमारी, प्रीति पटेल, अर्चना, विवेक, इसके बाद शालिनी कुमारी, कुमार अनिकेत, श्रवण, स्वरीमा कुमारी, अभिषेक, मीनू कुमारी, आकांक्षा भारती, वी के डी ओ, रिया 96, आर के सलोनी, आदित्य, शिशु, अभि, दिवाकर, यू कुमार, कुंदन, राजेश राय, पंकज, हीना कौशर, पंकज, रमन कौशर, इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, जो विजय कुमार, उमा शंकर कुमार, सीमा कुमारी, कार्तिक, राजन सिंह, राहुल, रवि गुप्ता, करण राज, रोहित भगत, त्रिपुरारी,
उज्ज्वल मिश्रा, इस तरह से सिमरन कुमार, श्री राम कुमार और जो है वो बिंतोष शर्मा, संदीप कुमार, इस तरह से जो है वो स्टडी विद अतुल, नीतू कुमारी और नीचे जो है वो बेल्ट्रॉन भवन को सीसी में रखा गया है। तो दोस्तों ये लगभग जो है वो आपको 100 करीब 100 ऐसे कैंडिडेट है जिसको जो है वो मेल किया गया है। तो अगर आपके सर्कल में कोई जो वीडियो देख रहे हैं और उसका इसमें नाम है तो आप इस वीडियो को उसके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको जो है वो पता चल सके कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बन गया है और मंडे को जा कर के उर्मिला के ऑफिस जो है वो रिसीव करना है। तो इस तरह से ये जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के पास जो है वो मेल किया गया है। मेल के नीचे में और दोस्तों देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले करके जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करने जाएंगे उर्मिला के ऑफिस में तो आपको क्या क्या ले जाना है वो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर में देखने को मिल जाएगा। बेल्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन स्लिप या एडमिट कार्ड हमने पहले भी बता चुके हैं, आधार कार्ड का कॉपी, पैन कार्ड का कॉपी, बैंक पासबुक का कॉपी, जाति प्रमाण पत्र और 3 जो है वो आपको कलर पासपोर्ट साइज का जो है वो फोटो लेकर के और जाना है। नीचे अगर आप आएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 ऐसे शिशु और आलिया तरन्नुम जो है वो इसको मेल को जो है वो फॉरवर्डिंग करके और लिखे थे कि प्लीज़ रीसेंड अबव मेल बिकॉज दिस इज़ नॉट रियडेबल, यानी इनके द्वारा बोला गया है कि सर फिर से इसको सेंड कीजिए कि ये हम पढ़ नहीं सकते हैं, रियडेबल नहीं है। तो इस तरह से जो ये ऊपर का चीज़ है हमने आपको अभी पढ़ के जो है वो बता चुके हैं कि आपको क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ जो आप नहीं पढ़ सकते हैं मेल में, वो यही चीज़ लिखा हुआ है कि आपका नियुक्ति पत्र जो है वो नियुक्ति हेतु बेल्ट्रॉन के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना के माध्यम से जो है वो हमारे कार्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि नियुक्ति पत्र हमारे कार्यालय पता उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है ना, न्यू इक्वेशन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, STPI राजीव नगर रोड, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना बिहार से जो है वो प्राप्त कर विभाग में योगदान देना सुनिश्चित की जाए। और विशेष जो है वो जानकारी के लिए यहाँ पे 2 नंबर जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके सर्कल में कोई भी फ्रेंड्स है जिनको कॉल बंद हो रहा होगा या फिर मेल नहीं पहुंच पाया होगा किसी कारण, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए ताकि उनका जो है वो ज्वाइनिंग का पता चल सके और संबंधित जिस डिपार्टमेंट में उसको ज्वाइनिंग के लिए दिया हुआ होगा वहाँ जा करके वो योगदान करेंगे और काम करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको भी इस मेल के अलावा अगर आपका नाम इसमें नहीं है और आपको अभी तक कॉलिंग या फिर कोई भी मेल नहीं आया है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट जो है वो वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बेल्ट्रॉन से संबंधित या फिर बिहार में कोई भी जो भी वैकेंसियाँ या फिर योजनाएं आती है ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे, तो आपको इस चैनल के माध्यम से जो है वो बताया जाता है, समझाया जाता है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं विजय आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।